जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवर। एक तरफ जंगल का बादशाह कहलाया जाने वाला शेर, तो दूसरी तरफ अलोन वॉरियर टाइगर। एक तरफ जमा शेर की एक धार दूर दूर के जानवरों को दहलाकर रख देती है, तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर की प्रेजेंस बाकी जानवरों के लिए मौत का रास्ता खोलती है। इन दोनों की बेशुमार ताकत के सामने दुनिया का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इन दोनों शिकारी जानवरों का आपस में मुकाबला हो तो मंजर कैसा होगा? दोनों में से कौन अपने रुतबे को बरकरार रख पाएगा और किसकी हार उसकी साख को कमजोर कर देगी? तो आज की इस वीडियो में हम बहुत करीब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक शेर और एक बाघ आपस में लड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के बादशाह शेर की। जरा इसका अंदाज तो देखिए कि ये किसी भी मामले में किसी राजा से कम नहीं लगता, और इसकी गर्दन के इर्द गिर्द ये बाल इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं, अफ्रीकन लाइन और एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन ज्यादातर भारत में पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीकन लाइन, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। अफ्रीकन लाइन एशियाटिक लाइन के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं, और अगर इनके वेट की बात की जाए तो एशियाटिक लाइन का वजन तकरीबन 190 kg, जबकि अफ्रीकन लाइन का वजन 210 kg तक होता है। और अगर हाइट की बात की जाए तो एशियाटिक लाइन की हाइट 3.5 feet और अफ्रीकन लाइन 4 feet तक ऊंचे होते हैं। और अगर लेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो एशियाटिक लाइन की लेंथ 8 feet जबकि अफ्रीकन लाइन की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 10 feet तक होती है। यानी कि वेट, हाइट और लेंथ सब में अफ्रीकन लाइन ही आगे है। तो हमें टाइगर के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकन लाइन को ही सिलेक्ट करना चाहिए। टाइगर कैट फैमिली में सबसे बड़ा शिकारी टाइगर ही है। ये जानवर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारता है और अपने एरिया में किसी दूसरे टाइगर की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं करता। टाइगर एशिया के जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, रशिया, मलेशिया, भूटान और नेपाल जैसे मुल्कों में आसानी से देखे जा सकते हैं। और अगर उनके वेट की बात की जाए तो इनका वजन 220 kg तक होता है और इनकी हाइट 4 feet तक हो सकती है। और अगर लेंथ की बात की जाए तो टाइगर नाक से पूंछ तक 12 फीट तक लंबे हो सकते हैं। यानी कि टाइगर जिसामत में अफ्रीकन लाइन से भी आगे है। लेकिन लड़ाई में बड़ी जिसामत ही नहीं बल्कि और भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो हम अब एक एक करके उन सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों को मेजर करेंगे और उसकी बना पर हार और जीत का फैसला करेंगे। बाइट फोर्स। किसी भी शिकारी जानवर के लिए जबड़े की मजबूती और पकड़ बहुत अहमियत रखती है। अगर शेर की बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये 650 psi है। दूसरी जानब टाइगर की बाइट फोर्स 1050 psi है, जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर कहीं शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस गई तो राजा साहिब की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी गर्दन के इर्द गिर्द बाल उनकी गर्दन की हिफाजत करते हैं और टाइगर का शेर की गर्दन तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं होगा। पावर ऑफ क्लॉ एंड टीथ। किसी भी जानवर के लिए लड़ाई में मेन इस्तेमाल होने वाले हथियार क्लॉ एंड टीथ होते हैं, और इनकी मदद से शिकारी अपने शिकार को चीर फाड़ देते हैं। अगर शेर के पंजों की बात की जाए तो वो 1.5 इंच तक लंबे होते हैं, जबकि टाइगर के पंजे अप्रोक्सीमेटली 4 इंच तक लंबे होते हैं। और अगर दांतों को देखा जाए तो शेर के आगे वाले दांत 2.5 इंच तक और टाइगर के आगे वाले दांत 3 इंच तक लंबे होते हैं। यानी कि टाइगर यहाँ भी शेर से आगे बाजी ले गया है। रनिंग एंड जंपिंग। बाज़ुकात लड़ाई में जानवरों के भागने और उछलने की काबिलियत बहुत काम आती है, और अगर ऐसे में देखा जाए तो शेर के भागने की स्पीड 80 km/h है और टाइगर के भागने की स्पीड 65 km/h तक होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लड़ाई के दौरान किसी वजह से इनको भागना पड़ जाए तो शेर की जान तो बच सकती है, लेकिन टाइगर पकड़ में आ ही जाएगा। और अगर उछलने की काबिलियत के बारे में बात की जाए तो शेर हवा में 12 फीट तक उछल सकता है, जबकि टाइगर करीब 15 फीट तक उछल सकता है। स्विमिंग। वैसे तो लाइन और टाइगर दोनों ही बहुत अच्छे तैराक हैं, लेकिन जब लंबे अरसे तक तैरने की बात आएगी तो लाइन की नस्बत टाइगर पानी में लंबे अरसे तक सही तरीके से तैर सकते हैं। और अगर कहीं पानी में गलती से ये दोनों जानवर आपस में भिड़ गए तो लाइन का बचना मुश्किल हो सकता है। हंटिंग स्किल्स। अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके पर।
शेर झुंड में रहकर ही शिकार करते हैं, जिसको प्राइड कहा जाता है। और इनमें करीब 5 से 10 मेंबर्स होते हैं, जिनमें ज्यादातर शेरनियां ही होती हैं। और शेर सिर्फ एक ही होता है जो कि अपने प्राइड की हिफाजत करता है। और अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर अकेले ही शिकार करते हैं, उन्हें शिकार के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। वो अपनी प्लानिंग खुद ही बनाते हैं और खुद ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे में इनकी हंटिंग स्किल्स लायन के मुकाबले में कई गुना बेहतर होती है। तो इतनी सब बातें जानकर हम इस नतीजे पर आराम से आ सकते हैं कि अगर शेर और टाइगर की लड़ाई हो तो टाइगर के जीतने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि बात चाहे वेट की हो, हाइट की हो, लेंथ की हो, बाइट फोर्स की या स्विमिंग की, सभी मामलों में टाइगर शेर से आगे है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब क्वालिटीज के बावजूद भी शेर को ही जंगल का राजा माना जाता है, टाइगर को क्यों नहीं? दरअसल अगर हम इंडिविजुअल जानवर की बात करें तो शेर कमजोर पड़ जाएगा, मगर शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका प्राइड है। अगर आप भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। तारीख गवाह है कि जंगल के जिस कोने में शेरों के झुंड रहते हैं, वहाँ टाइगर के जाने की हिम्मत नहीं होती, और टाइगर कभी भी शेरों के झुंड से नहीं जीत सकता। तो जंगल का सही मानों में राजा शेर ही है। तो दोस्तों, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन दोनों शिकारी जानवरों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में।